नेक्स्ट क्वेश्चन केटीजी और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जो कि इसी साल जेई मेंस में पूछा गया था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ एन मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड टू एन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलिकुल्स टेकन टू बी रिजिड एज एन आइडियल गैस, इट्स सी पी बाई सी वी वैल्यू विल बी, एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल था वहाँ भी, है ना। तो इसमें भी सी पी बाई सी वी यानी गामा का वैल्यू पूछा गया है, ठीक। तो हमें पता है कि जब सी पी मिक्सचर का निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ये N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसी तरह से मिक्सचर का सी वी निकालते हैं तो लिखते हैं N1CV1 प्लस N2CV2 बाई N1 प्लस N2। तो मिक्सचर का सी पी बाई सी वी निकालते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो यह आता है N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाई N1CV1 प्लस N2CV2। अब देखेंगे कि जो पहला गैस है वो हीलियम गैस है यानी मोनोएटॉमिक गैस है, है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक। तो हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3 क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो उसके लिए जो सी वी होता है Fr/2 होता है, Fr/2 यानी कि 3R/2 CV1 कहेंगे इसको। CP1 होता है F+2R/2 यानी कि 5R/2। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, ऑक्सीजन चूंकि डायटोमिक है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे हम लोग, है ना। तो इसका CV निकालेंगे यानी CV2 Fr/2, F है 5 तो यह आ जाएगा 5R/2। फिर निकालेंगे CP, है ना, CP ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे F+2R/2, F का वैल्यू 5 है तो ये आएगा 7R/2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे, है ना। N1 कहा गया है मतलब हीलियम के N मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 2N मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका रखेंगे N, उसका CP जो है 5R/2 है प्लस CP2, है ना, ये मतलब ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2N और उसका CP2 ये है यहाँ पर 7R/2 डिवाइडेड बाई N1 CV1, इसका CV लेंगे हीलियम का 3R/2 है प्लस N2CV2 ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2N और CV जो है इसका 5R/2 है, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 19/2 NR और ये आ जाएगा 13/2 NR। तो NR/2 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 19/13। तो देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर वो 19/13 दिया गया है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।